हेलो विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। यह है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन पे हमारा चौथा लेक्चर है। यह है बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस के यूनिट नंबर सेकंड में स्थित है। जैसा कि विद्यार्थियों, हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के पूर्व के व्याख्यान में अलग अलग फॉर्मूलों के डिफरेंशिएशन करना सीखा है और उनके ऊपर प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करिए। आज हम इसी प्रकार का एक फॉर्मूला है, बेसल फॉर्मूला, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और उसके ऊपर एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप पढ़ सकते हो, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन संख्यात्मक अवकलन, बेसल सूत्र। बेसल सूत्र आपको बताया हुआ है, इसको हम रीड करते हैं। वाई यू, यू फुट में पाउंड, इज इक्वल टू वाई जीरो प्लस वाई वन प्लस ब्रैकेट में यू माइनस वन बाई टू डेल्टा वाई जीरो प्लस यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू ब्रैकेट में डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो बटा दो प्लस ब्रैकेट में यू माइनस का आधा यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री डेल्टा क्यूब वाई माइनस वन प्लस यू प्लस वन यू माइनस वन यू माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल फोर ब्रैकेट में डेल्टा की पावर फोर वाई माइनस वन प्लस डेल्टा की पावर फोर वाई माइनस टू डिवाइड बाय टू प्लस यू माइनस आधा यू प्लस वन यू माइनस वन यू माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल फाइव डेल्टा की पावर फाइव वाई माइनस टू प्लस डैश 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 वेयर यू इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन एच। आपको पता है ये होता है। तो अब हमें डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन के लिए आप ये याद रखा करो, या आपको पहले भी बता रखा है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक बटा एच डी वाई बाई डी यू। तो आप इस तरीके से डी वाई बाई डी यू, ये जो ऊपर फॉर्मूला है, उसका डिफरेंशिएशन करके आप यहाँ रखोगे तो डी वाई बाई डी एक्स आपको मिल जाएगा। आपको करना ये है, बेसल फॉर्मूले का u के सापेक्ष आप अवकलन करोगे और उसको dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक बटा एच डी वाई बाई डी यू, डी वाई बाई डी यू की जगह यहाँ रख दोगे तो हमारे को dy वाई बाई डी एक्स प्राप्त हो जाएगा। ये इसका सिंपल तरीका है डिफरेंशिएशन का। अब हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप प्रॉब्लम में देख सकते हैं कि हमें ये एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड एफ डैश 7.5 फ्रॉम द फ्लोइंग टेबल। आपको एक टेबल दे रखी है जिसमें x के भिन्न भिन्न मान दे रखे हैं और fx के मान दे रखे हैं। आपको f डैश 7.5 निकालना है। ध्यान दें, x 7.5 पे 0.201 है, लेकिन हमें क्या निकालना है, f डैश 7.5 निकालना है। तो ये सबसे पहले इसके अंदर एक टेबल बनेगी जिसको अंतर सारणी कहते हैं। तो यह अंतर सारणी आप देख सकते हो, इसमें 9 कॉलम हैं। प्रथम कॉलम आपका x आ गया टेबल से, दूसरा कॉलम आपका u है। u क्या होता है, देखो u यहाँ बता रखा है हमने, u होता है देखो x माइनस एक्स जीरो अपॉन एच। तो x एक बार स्थिर रखो, x माइनस एक्स जीरो, एक्स जीरो हमें देखो वैल्यू किस पे निकालनी है, 7.5 f डैश 7.5 निकालना है। तो x जीरो अपना कितना है, 7.5। तो ये x जीरो अपना 7.5 है। h एच किसको कहते हैं, देखो एक्स की वैल्यू में वेरिएशन देखो 7.47, 7.48 यानी 0.01 का है। तो ये अपने पास में एच इज इक्वल टू आ जाएगा 0.01। तो ये बेसल सूत्र हमने वापस से लिखा, ठीक है। पहले अपन टेबल डिस्कस कर लेते हैं। तो u इज इक्वल टू आपका देखो x माइनस एक्स जीरो अपॉन एच, यानी x माइनस 7.5 अपॉन 0.01। ये याद, ये पक्का ध्यान में रखो, x u इज इक्वल टू x माइनस 7.5 अपॉन 0.01। तो 7. u का मान आप है तो x का मान 7.47 रखोगे तो ये कैलकुलेट होके माइनस 3 आ जाएगा। द्वितीय कॉलम देखिए, माइनस 2 कैसे आया, जब ये u है ना, u इसमें x इज इक्वल टू आप 7.48 रखोगे तो ये कैलकुलेट होके माइनस का 2 आ जाएगा। इस तरीके से ये कॉलम बन जाएगा। y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो ये देखो ऊपर जो सारणी दे रखी है, टेबल दे रखी है, उसका द्वितीय पंक्ति 0.193, 0.195 ये लिख दीजिए। फिर आपको जो डेल्टा वाई या प्रथम डिफरेंस जिसको कहते हैं आप,
कैलकुलेटर में 0.195 दबाइए। चतुर्थ कॉलम की पहली वैल्यू के लिए तृतीय कॉलम की जो वैल्यू है वो कैलकुलेटर में 0.195 दबाइए, माइनस का 0.193 दबाइए तो ये आ जाएगा 0.002। तो इस तरीके से ये आते जाएंगे। आपको हमने टेबल पहले भी बनानी सिखा रखी है, ये टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। इसके ऊपर इसके क्वेश्चन पे क्वेश्चन के अंदर इसके नंबर अंक निर्धारित होते हैं। तो ये अगर आप सही बनाते हो, करना कुछ नहीं है, सिंपल घटाना है, तो ये अगर आपकी सही बनती है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन आगे का सही होने का चांस बनता है। अब देखिए तो ये टेबल आपको कंप्लीट करनी है, उसके बाद में ये देखिए एक्स इज इक्वल टू 7.5। तो एक्स जीरो मूल बिंदु एक्स, देखो ऊपर से पढ़ना शुरू करते हैं, एक्स इज इक्वल टू अपन क्या करते हैं 7.5, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। तो अर्थात एक्स जीरो 7.5 है, तो यू के अंदर इसका मान रख दिया। यू के अंदर मान रखने के बाद में अपने को बेसल फॉर्मूला पता है, पेज नंबर एक से लिख लिया वापस से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हमने इसमें यहाँ आ गए, ठीक है। तो यहाँ आ गए तो अब अपने को देखिए, सबसे पहले इसने u इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन एच, तो एक्स जीरो अपन ने 7.5 लिया, h का मान 0.01 आया। तो x किस पे निकालना है, देखो अपने को जो क्वेश्चन दे रखा था उसमें दे रखा था f डैश 7.5, तो यानी x का मान हम 7.5 ले लेंगे। तो 7.5 माइनस 7.5 अपॉन 0.01 दैट इज जीरो। अब दोनों पक्षों का हमने u के सापेक्ष, चूँकि u जीरो आ चुका है, ध्यान रखो u का मान देखो हमने फिर से यहाँ देखिए जीरो आ चुका है। तो अब हम हमारा जो फॉर्मूला है, हमने आपको शुरू में बता रखा है dy by dx इज इक्वल टू 1/h du/dx। तो 1/h du/dx आप यहाँ पर वैल्यू निकाल के यहाँ रख दीजिए, और इन्होंने साथ में u को जीरो रख दिया तो ये फॉर्मूला बड़ा नहीं लग के आपको छोटा लिखने लग गया, क्योंकि जहाँ जहाँ u है तो वहाँ तो जीरो रखना ही है आपको, क्योंकि u की वैल्यू जीरो आ गई। अब आप इसमें वैल्यू पुट करनी शुरू करो, h का मान देखो इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करनी शुरू करो। तो h dy by dx इज इक्वल टू 1/h का मान 0.01 इज, फिर ब्रैकेट में डेल्टा y0 का मान देखिए आपने कहाँ से निकाला है टेबल से, वो रखना है 0.002 माइनस 1/4, फिर डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 डेल्टा स्क्वायर y0 ये वैल्यू रख दीजिए, फिर 1/12 डेल्टा क्यूब y माइनस 1 ये वैल्यू रख दीजिए। ये सब वैल्यू रख के कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन सही होने के कब चांस हैं, कितने चांस हैं, जब आपके पास में टेबल सही बनाई हुई होनी चाहिए, उसके बाद में आप फॉर्मूले में वैल्यू रखते हो वो आप सही पुट करो, और आपके पास में वहाँ साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा तो आप वहाँ कैलकुलेशन करके एकदम और बढ़िया आंसर निकाल सकते। तो इस तरीके से हमने ये पहला क्वेश्चन किया। ये आपका दूसरी प्रॉब्लम है, बेसल सूत्र को मानकर सिद्ध कीजिए। पहला आपको सिद्ध करना है dy/dx, फिर yx का आपको डिफ्रेंशिएशन करना है x के सापेक्ष में, d/dx yx बराबर ये प्रूव करना है Δ yx- का आधा, ये ध्यान रखो x में से आधा घट रहा है, ये थोड़ा ऊपर लिख लिया गया, x फुट में है ये चीज़, Δ yx- आधा है, -1/24 Δ² yx-3/2। जैसे x-3/2 है उसी तरीके से पहली टर्म में x-आधा है, प्लस ऐसे चलता जाएगा। दूसरा इसका द्वितीय डिफरेंशिएशन है उसका मान ये होगा, तृतीय डिफरेंशिएशन का मान ये होगा, ये हमें आपको प्रूव करना है। तो अब हमने क्या किया, बेसल सूत्र लिख लिया। ध्यान रखो चूंकि इस फॉर्मूले में देखो हमें प्रूव करना है, उसमें x ही x काम में आ रहा है, और हमारा फॉर्मूला हमने y u से शुरू किया था, तो अब हमारे को क्या करना है, हमने क्या किया, हमने u की जगह x रख लिया, तो ये एक नंबर समीकरण बन गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये कह रहा है, अब ये चूंकि प्रूव करने वाले सवाल हैं तो प्रूव करने वाले जो स्टेप्स हैं वो भी एक सीक्वेंस ही होती है, तो x को आप x प्लस आधा रखिए सबसे पहले। तो सबसे पहले हमने yx, देखो ऊपर एक नंबर में yx, तो इसमें x लिखा तो उसको x प्लस आधा लिख दिया, फिर y0 प्लस y1
यहाँ वन की जगह वाई ज़ीरो होना चाहिए, ये देखो यहाँ है ना, यहाँ वाई ज़ीरो होना चाहिए, ये पक्का कर लो। ये थोड़ा गलती से हो गया, यहाँ आपको वाई ज़ीरो होना चाहिए, वाई ज़ीरो होना चाहिए, फिर एक्स डेल्टा वाई ज़ीरो ये आ गया। फिर देखो द्वितीय टर्म में, एक नंबर में द्वितीय टर्म देखो, एक्स माइनस आधा डेल्टा वाई ज़ीरो, तो एक्स माइनस आधा, तो एक्स को एक्स प्लस आधा रखेंगे तो ये आ जाएगा, आधे से आधे कट जाएगा तो एक्स, इस तरीके से ये दो नंबर आ जाएगा। दो नंबर के बाद में हमारे पास में अब दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करो। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये देखो क्या आ जाएगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो देखो सबसे पहले वाई डैश एक्स प्लस आधा, देखो डी बटा डी एक्स, एल एच एस में दो नंबर में देखो एक्स के सापेक्ष में क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन, तो डी बटा डी एक्स, फिर वाई एक्स प्लस आधा लिख दिया ये देखो। फिर राइट हैंड में देखो वाई ज़ीरो प्लस वाई वन, यहाँ वन की जगह आपका क्या है वाई वन है, ठीक है, तो यहाँ पर इसके पास एक्स है ही नहीं तो ज़ीरो हो गया। दूसरी टर्म देखो आर एच एस में फॉर दो नंबर इक्वेशन में एक्स डेल्टा वाई ज़ीरो, तो एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये डेल्टा वाई ज़ीरो आ जाएगा। फिर ऊपर देखो एक्स प्लस आधा एक्स माइनस आधा, तो इनका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास में ये बन जाएगा कुल मिला के, इस तरीके से डिफरेंशिएशन करते रहो। डिफरेंशिएशन करने के बाद में इन्होंने कहा चूँकि प्रूव करने वाले हैं तो इनमें स्टेप्स हैं, इसमें एक्स बराबर ज़ीरो रखो, तो एक्स बराबर ज़ीरो रखते ही हमारे पास में डी बटा डी एक्स वाई आधा, इसका मान ये आ गया, ठीक है। अब वो कहता है अपने को चार नंबर जो समीकरण है, मूल बिंदु से एक्स माइनस आधा स्थानांतरित करने पर, तो ये देखो इसमें जो चार नंबर समीकरण आई है ना, ये देखो इसमें मूल बिंदु को ज़ीरो से एक्स माइनस आधे पे स्थानांतरित करने पर, तो ये शुरू में इसमें देखो वाई आधा है तो इसमें आधा जुड़ के ये वाई एक्स आ जाएगा, फिर ज़ीरो में एक्स माइनस आधा जुड़ के एक्स माइनस आधा आ जाएगा। फिर तीसरी राइट हैंड में देखिए दूसरी टर्म डेल्टा क्यूब वाई माइनस वन, तो माइनस वन तो है ही है, इसमें एक्स माइनस आधा जोड़ना है तो ये आ जाएगा एक्स माइनस थ्री बाई टू, तो इस तरीके से ये पाँच नंबर समीकरण आ जाएगी। फिर ये हमारा प्रूव हो गया। फिर दूसरा जो अब मैं प्रूव करना है, आप देखिए दूसरा जो सवाल प्रूव करना था, यहाँ देखिए डी स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर वाई एक्स इजिकल टू एक बटा दो, फिर ब्रैकेट में डेल्टा स्क्वायर एक्स माइनस आधा प्लस डेल्टा स्क्वायर एक्स माइनस आधा, एक्स माइनस पहला देखो थ्री बाई टू है और फिर एक्स माइनस आधा है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले ये क्या कहता है, दो का एक्स के सापेक्ष दो बार अवकलन करना है, ये दो नंबर समीकरण है, इसका एक्स के सापेक्ष दो बार अवकलन करना है। तो चूंकि हमने ये एक बार तो कर रखा है, ये देखो तीन नंबर समीकरण में एक बार कर रखा है, इसका एक बार फिर कर दो, तो देखो ये पहले तीन नंबर समीकरण में पहले एल एच एस में देखिए डी स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि दूसरी बार डिफ्रेंशिएशन कर दिया है। आर एच एस में देखो डेल्टा वाई, तीसरी नंबर समीकरण यानी ऊपर वाली समीकरण क्या, राइट हैंड का पहला पद देखो एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करना है डेल्टा वाई ज़ीरो, तो डेल्टा वाई ज़ीरो का जैसे ही आप डिफरेंशिएशन करोगे इसका तो ये ज़ीरो बन जाएगा, फिर इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के सापेक्ष में तो ये पहली टर्म आ जाएगी, फिर इसका करोगे तो ये आ जाएगा तीसरी टर्म, ये देखो ये आती रहेगी। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आएगा तो फिर आपको इसमें एक्स बराबर ज़ीरो रखो, वही पार्ट एक्स बराबर ज़ीरो रखो और जैसे ही रखोगे फिर मूल बिंदु को क्या है जीरो से एक्स माइनस आधे पे स्थानांतरित कर दो, इसी तरीके से ये दूसरा प्रूव हो गया। इसी तरीके से ये तीन बार अवकलन करके हम तीसरा भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये आपका जो सवाल है वो कंप्लीट हो गया है। ये विद्यार्थियों ये क्वेश्चंस हैं ये अक्सर पूछे जाते हैं, आपको आने भी चाहिए, यदि आपको आते हैं तो आपका बहुत अच्छा है काम, और इनको क्या है प्रैक्टिस में आप डालोगे तो आप धीरे धीरे आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हाथ चलने लग जाएगा। तो इस तरीके से आप इन ऐसी और भी प्रॉब्लम्स कर सकते हो। ये हमने आज न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के ऊपर हमने